हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक स्किन प्रॉब्लम पिट्रासिस अल्बा के बारे में बात करने वाली हूँ, जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, फेस पर हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स आने लग जाते हैं, वाइट कलर के स्किन पे पैचेस आने लग जाते हैं, जो कि राउंड या ओवल शेप के हो सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पिट्रासिस अल्बा के बारे में। तो पिट्रासिस अल्बा, अगर इसके नेम की बात करें तो पिट्रासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपको वाइट स्पॉट्स आते हैं तो उस पर माइनर सी स्केलिंग देखने को मिलती है। अल्बा का लिटरली मीनिंग होता है वाइट। तो जब भी आपको वाइट हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स आने लग जाते हैं, उस कंडीशन को पिट्रासिस अल्बा कहते हैं। इसका कॉज जो है वो अननोन है, किस वजह से होता है ये अननोन है, लेकिन कुछ ट्रिगरिंग या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, विंटर्स में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है, सन एक्सपोजर की वजह से ये बढ़ सकता है या हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है, कीड़ों की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर विटामिंस या मिनरल्स की कमी है तो उसकी वजह से भी पिट्रासिस अल्बा देखने को मिलता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में आपको वाइट जो है स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, चेहरे पर सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये चीक्स पर होता है, माउथ के अराउंड होता है, फोरहेड पर होता है, और ज़्यादातर ये फेस पर ही होता है। कुछ केसेस में ये आपके नेक पर हो सकता है, फ्रंट और बैक में, या फिर चेस्ट पर, या फिर अपर आर्म्स में भी देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों और यंग एडल्ट में देखने को मिलती है, जिनकी एज 16-17 तक है उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। जो इसके स्पॉट्स होते हैं वो हाफ सेंटीमीटर से लेके अप टू 2-3 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। राउंड या फिर ओवल शेप के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट्स आते हैं ऐसे स्पॉट्स लेकर, वाइट स्पॉट्स, तो ज़्यादातर उनके दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं कि कहीं विटिलिगो तो नहीं होगा, कहीं अदर स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं हो गई। ये बिल्कुल भी विटिलिगो नहीं होता है। ये जो इसके स्पॉट्स होते हैं वो स्किन से थोड़े ही लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होते हैं। जब भी ड्राई स्किन आपकी होती है, या फिर सन एक्सपोजर हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, या फिर जिन लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क है उन लोगों में ज़्यादा विजिबल होते हैं। और ये जो स्किन है उससे थोड़े ही चेंज होते हैं। कई बार ये पैचेस जो है वाइट होते हैं, कई बार ये पिंकिस या रेडिस हो सकते हैं। और जब भी ये पैचेस आते हैं तो ये थोड़े से स्केलिंग के साथ आते हैं, माइनर सी स्केलिंग होती है, कई बार उसको नोटिस भी नहीं करते हैं। कई केसेस में इसमें थोड़ी बहुत इचिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा ये जो कंडीशन है ये कंटेजियस नहीं है, बिल्कुल भी एक इंसान से दूसरे में फैलती नहीं है, छूने से, खाने पीने से। इसके अलावा ये प्रॉब्लम जो होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं भी लेते तब भी ये 6 months to 1 year में खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अब जबकि ये फेस की प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाते, देखने में भी थोड़ा सा गंदा लगता है, फिर लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। आज मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाएं बताने वाली हूँ जो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपको। फ्रेंड, जो भी मैं मेडिसिन आपको बता रही हूँ आप अपने बच्चों को अगर दे रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके दीजिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसको अलग पोटेंशियल लग सकती है, अलग पावर लग सकती है, अलग दवा लग सकती है। जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से बता रही हूँ, ट्राई कीजिएगा कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। सबसे पहली जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में। आर्सेनिक उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको वाइट स्पॉट्स आ रहे हो, या कई बार वो पिंकिस भी हो सकते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो, वहाँ पे
आपको इचिंग भी हल्की फुल्की कभी कभी लगती हो, ऐसे केसेस में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है कैल्केरिया कार्प 30 पावर में। कैल्केरिया कार्प उन बच्चों के लिए अच्छा काम करती है जो बच्चे थोड़े से चबी चबी होते हैं, जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, स्पेशली फेस पर हेड पर स्वेटिंग बहुत होती है, अननेचुरल चीज़ें चॉक स्लाइम्स ये सब खाने का जिनको डिजायर होता है, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनको चीक्स पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वाइट और पिंक से स्पॉट्स आ जाते हैं, ऐसे केसेस में ये दवा बहुत यूजफुल होती है। थर्ड हमारी मेडिसिन है सल्फर 30 पावर में। सल्फर उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से सूट करती है जिनकी स्किन हमेशा अनहेल्दी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्किन पे लगी रहती है, कभी फोड़े कभी फुंसी, हर तरीके से उनकी स्किन अनहेल्दी रहती है। ऐसे में जब ये पिट्रियासिस अल्बा डेवलप होता है तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर पिट्रियासिस के साथ इचिंग की प्रॉब्लम बहुत है, हमेशा खुजली होती रहती है, तो ऐसे में भी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ हमारी मेडिसिन है सीना 30 पावर में। सीना उन बच्चों को अच्छा काम करती है जिनके वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, जो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, हर चीज़ चाहिए, फिर जब आप उनको ऑफ़र करोगे तो उसको थ्रो कर देंगे। बहुत ज़्यादा इरिटेबल क्रैंकी बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो और पिट्रियासिस अल्बा हो, ऐसे केसेस में सीना बहुत अच्छा काम करती है। फिफ्थ हमारी मेडिसिन है बैसिलिनम 200 पावर में। ये मेडिसिन उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, बार बार पिट्रियासिस हो रहा है, एक बार ठीक होता है आप मेडिसिन देते हैं दोबारा फिर हो जाता है, जा नहीं रहा है किसी भी तरीके से, तो ऐसे में आप अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं तो बैसिलिनम 200 की एक डोज दे सकते हैं 15 दिन में एक बार, तो ये रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है और इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स ये 5 होम्योपैथिक दवाएँ हैं, सिम्टम्स के बेस पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्किन का भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है, स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज कीजिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज कर सकते हैं, गर्मियों में आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, विंटर्स में थिक मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।